Good morning. So today we are going to start with the next source of finance, which is equity shares. So introduction humne shares ke baare mein kar li. Hume pata hai what is a share. Okay. Just wait. I can see the. So beta equity share. It's a most important source of raising long-term capital by company. Actually, a company cannot come into existence without issuing equity shares. ठीक है, तो equity shares जो लोग खरीदते हैं वो company के owners बन जाते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास या आपके पास किसी भी company के shares हैं तो इसका मतलब आप उतने percent के उस company के owner हैं. So इसका मतलब equity shares represent the ownership of the company. ठीक है बेटे, आपको MCQs या one markers आते हैं तो उनमें ये छोटी छोटी बातें आपको आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि equity shares जो हैं they represent the ownership of the company. Okay, another thing bete that just occurred to me, so I would be just stopping my lecture in between. आपको मैंने एक सर्कुलर कल बेटे सर्कुलेट किया था ग्रुप में, दैट इज अबाउट कॉमर्स ओलंपियाड. उसमें बेटे वेरी इट्स लाइक रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. कल को आपने प्लस टू के बाद कहीं और एडमिशन लेनी है तो आपके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए. ठीक है, अगर आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है और आपके अच्छे मार्क्स इसमें आए हुए हैं तो आप अपने रिज्यूमे में, कल को आपको इंटर्नशिप्स वगैरह करनी होती है डिफरेंट कंपनीज में, और मोर ओवर आपकी जो एडमिशन होनी है कॉलेजेस में वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर होनी है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो कॉमर्स ओलंपियाड है ये आपके लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इट जस्ट इन्वॉल्व्स अ नॉमिनल फीस ऑफ 149 रुपीज जो कि आपने ऑनलाइन ही पे कर देनी है, ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है. बट वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट इन द ग्रुप. ठीक है, सो दैट वी कम टू नो बच्चे के हमारी जो क्लास में से कितने स्टूडेंट्स ने किया है. तो इसकी लास्ट डेट आई गेस इट इज 15 फरवरी. ऑनलाइन ही होना टेस्ट आपका ये. ठीक है, घर बैठे ही आपने अपने सिस्टम में लॉग इन कर लेना, आपको लिंक आएगा, आपने उसमें कर देना. राइट, सो देर इज नो सच इशू आपको के स्कूल आना पड़ेगा और ऐसे देना पड़ेगा ऑफलाइन. नो, ऑनलाइन घर बैठे आप ये एग्जाम ले सकते हैं. ठीक है, सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू, स्टार्ट रजिस्टरिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट पुटिंग इन द ग्रुप दैट यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ. ठीक है, विद इन 3-4 डेज आपकी सारी क्लास की रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए. इट्स 2 मिनट्स जॉब टू रजिस्टर योर सेल्फ. ठीक है, ओके, सो कमिंग टू सच पॉइंट कि इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. Therefore, the capital raised by the issue of equity shares is known as ownership capital. ठीक है, so equity share जो है it is a prerequisite to the creation of company. Prerequisite means essential condition है, इसके बिना company existence में नहीं आ सकती. अगर आपने company create करनी है तो equity shares आपको issue करने पड़ेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विटी शेयर्स को रिटर्न में क्या मिलता है. व्हेन दे इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न. बेटे दे गेट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. ऑफ कोर्स दे आर द ओनर, दे शुड गेट प्रॉफिट. सो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड. बट डू इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. क्या उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है? नहीं बेटे, फिक्स्ड नहीं मिलता, क्योंकि उनको जो डिविडेंड है वो उनकी प्रॉफिट्स का हिस्सा है. प्रॉफिट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, दैट इज व्हाई डिविडेंड आल्सो कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम रेजिडुअल ओनर्स भी कहते हैं, बचे खुचे ओनर. क्यों? क्योंकि पहली बात, जब उनको डिविडेंड मिलता है, उनको डिविडेंड सबसे पहले नहीं मिलता, उनको जो डिविडेंड मिलता है
वो सबको देने के बाद, सबके क्लेम सेटल करने के बाद डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया, टैक्स दे दिया, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट किया जाता है। अगर कुछ नहीं बचता तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? सो दे गेट डिविडेंड फ्रॉम द रेजिडुअल अमाउंट, जो बचा खुचा है उसमें से उनको डिविडेंड मिलता है। सेकेंडली, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, यू नो व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी? हिमांशु, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन ऑफ कंपनी? मैम, व्हेन द कंपनी इज अबाउट टू टू इट्स एंड, जब उसको अपना सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। अच्छा जी, गर्व, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन ऑफ कंपनी? नॉट देयर आई गेस। ओके, लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब बिक रही है, इसके सारे एसेट्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको हम वाइंडिंग अप भी कह सकते हैं, डेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। तो अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, ठीक है, लिक्विडेट हो गई, हमने सारे एसेट्स बेच, हमारे पास कैश आ गया, अब उस कैश से हम क्या करेंगे? पहले तो कंपनी के सारे जो क्रेडिटर्स हैं, जो क्लेम्स हैं कंपनी के अगेंस्ट, उनको सेटल करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा उतारेंगे, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेजिडुअल ओनर्स, बिकॉज दे रिसीव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स ऑन द कंपनीज एसेट्स हैव बीन सेटल्ड। मेरा सही था मैम। हाँ जी बिल्कुल। सो देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मेरे पास कंपनी के शेयर्स पड़े हुए, कल को ये कंपनी सपोज करो लॉसेस में चली जाती है, तो क्या मेरा नुकसान कितना रहेगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, ये मेरा घर बार के, आप भी कंपनी के शेयर होल्डर हो, चलो निकलो घर से, आपका घर बेचेंगे, आपकी कार बेच देंगे और हम अपने पैसे ले लेंगे। नहीं, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मी। मेरा मैक्सिमम नुकसान जो है, या मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी जो है, वो वहां तक है जितने मैंने कंपनी के शेयर्स लिए हैं। अगर मैंने कंपनी में 10% शेयर लिए हैं 1 करोड़ रुपए के, तो मेरा नुकसान 1 करोड़ तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? मेरे पर्सनल एसेट्स सेफ हैं, राइट? सो विच मीन्स दी लाइबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी, ठीक है? सो फर्दर बेटे, थ्रू देयर राइट टू वोट दीज शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? कल को मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेनी है कंपनी से रिलेटेड, उस केस में यू हैव अ से। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ से, दे हैव अ राइट टू वोट, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? सो ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स सर्टेन मेरिट्स एज वेल एज डी मेरिट्स। नंबर वन बेटे, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सूटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम हायर रिस्क फॉर हायर रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिटर्न तो आती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। सो अगर इन्वेस्टर ऐसा है कि वो कहता है मेरे को रिटर्न ज्यादा चाहिए, मैं रिस्क उठाने को तैयार हूं, तो उस केस में उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स काफी सूटेबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट कंपल्सरी। कंपनी के ऊपर ये कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करना ही करना है, यानी कंपनी के ऊपर कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है।
उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। सपोजिंग कोई नई कंपनी है, उसको प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुए, तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी इतना डिविडेंड देना पड़ना था और मेरे को तो प्रॉफिट नहीं हुए तो मैं कहां से निकालू, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, रादर दे हैव नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। ठीक, उनके ऊपर कोई भी परमानेंट कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो इसका मतलब दे डोंट फील एनी बर्डन। देन इट सर्व्स एज अ परमानेंट कैपिटल। बेटे इक्विटी शेयर होल्डर से एक बार पैसे आ गए वो कंपनी में ही इन्वेस्टेड रहेंगे, वो कंपनी की परमानेंट कैपिटल है। ठीक है, और इसको कोई रीपे करने की कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको कब रीपे करना है? ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, बिक रही होगी, हमारी कंपनी चली नहीं है तो हमने सोचा इस कंपनी को बेच दिया जाए, इसके एसेट्स को बेच दिया जाए। ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी इक्विटी वापस मिलेगी। वो भी कब मिलेगी? यू आर लास्ट इन द लिस्ट ऑफ द क्लेम्स। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो आपको जो पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है ना बेटे, वो एंड में मिलता है। एंड में मिलता है मतलब पहले वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को वापस करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को वापस करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस करेगी, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। इसका मतलब ये क्रेडिटर्स को एक कुशन प्रोवाइड करती है। समझ गए मेरी बात? कुशन कैसे मिल रहा है, मतलब उनको एक शॉक से शॉक एब्जॉर्बेंट बन गया इक्विटी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर पहले पैसा देना होता तो क्रेडिटर्स कहते कि अरे पहले तो ये अपने पैसे लेने बैठ गए, हमारा नंबर तो नहीं आने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ किया जाएगा, फिर अगर कुछ बचा तो ही इक्विटी की वापस बारी आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट प्रोवाइड्स, बिकॉज इट स्टैंड्स लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स, इट प्रोवाइड्स ए कुशन फॉर क्रेडिटर्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। इक्विटी कैपिटल से कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। यू नो द मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस? यू अर्न अ गुड गुडविल इन द, ठीक है, इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर्स। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी कल को आप कहीं किसी से भी पैसा उठा सकते हो अगर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा है। कोई भी आपको पैसा देने से पहले ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो देखता है कि इस कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी से रेज किया हुआ है। तो इफ यू हैव रेज्ड अ प्रीटी गुड अमाउंट थ्रू इक्विटी शेयर्स, थ्रू इशूइंग इक्विटी शेयर्स, इट इम्प्रूव्स योर क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, और ये प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है। नेक्स्ट मेरिट बेटे, फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको एसेट भी मॉर्टगेज नहीं करना पड़ा। आपके किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता जब आप इक्विटी से फंड्स रेज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लेना चाहते हैं, या डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ जो है वो सिक्योर्ड हैं, यानी कि आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी तभी आपको वो लोग लोन देंगे। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। योर एसेट्स आर फ्री टू बी मॉर्टगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर बोरोइंग्स। फ्यूचर में अगर आपको बोरोइंग की जरूरत पड़ती है, आज आपने शेयर से फंड्स रेज कर लिए, आपके पास फंड्स भी आ गए, आपका एसेट भी मॉर्टगेज नहीं हुआ। कल को अगर आप और पैसे रेज करना चाहते हैं
और बैंक या कहीं और सोर्स से करना चाहते हैं तो आपको एक एसेट मॉर्टगेज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ योर एसेट्स आर फ्री टू बी मॉर्टगेज, क्योंकि इक्विटी के लिए आपको एसेट मॉर्टगेज नहीं करना पड़ा। क्लियर? देन बेटे, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज अश्योर्ड। जब आप इक्विटी शेयर से फंड्स रेज करते हो तो क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स दे एंजॉय वोटिंग राइट्स, तो कंपनी के ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल अश्योर हो जाता है। अगर लेट अस से इक्विटी शेयर होल्डर्स दे डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स, तो उस केस में क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट है जो वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकती है, तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, तो कंपनी को कोई भी डिसीजन लेनी होती है, कंपनी क्या करती है, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करती है जिसमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है और मीटिंग का मुद्दा जो है वो आगे रखा जाता है और वोट्स लिए जाते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब उनका भी कंपनी की वर्किंग के ऊपर कंट्रोल रहता है। These were certain merits of equity shares. Coming to the limitations, number one, investors who want steady income may not prefer equity shares as equity shares get fluctuating returns. So, बेटे ये उनके लिए suitable जरूर है जो कि high return चाहते हैं, लेकिन अगर कोई investor regular income चाहता है, regular routine income चाहता है कि हर महीने उसको 10,000 रुपए आ जाएं, तो उस केस में इक्विटी शेयर्स उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। गॉट इट? सेकंड, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्सेस। अगर हम इक्विटी से फंड्स रेज करते हैं तो हमारा काफी खर्चा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, द फंड्स required for raising funds through equity shares. मेरे को 10 करोड़ रुपया शेयर से रेज करना है, उसके लिए उस 10 करोड़ को रेज करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए खर्चने पड़ गए। इस 10 लाख रुपए को हम क्या नाम देंगे? Anyone? What will we call this? जपिश, क्रिश, क्या बोलेंगे इसको? वो पैसा जो कि शेयर से फंड्स रेज करने के लिए हमें लगाना पड़ा। ओके मेघा, यू सेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ईशा, यू सेड फ्लोटिंग कॉस्ट। इट इज एक्चुअली फ्लोटेशन कॉस्ट। यस किंजल, ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो शेयर से जब हम फंड्स रेज करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स प्रिंट कराने पड़ते हैं, आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, उन सबकी कमीशन देनी पड़ती है, ठीक है। सो ये सारा खर्चा जो है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब हम शेयर से फंड्स रेज करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है। Then, another limitation. बेटे, जब आप इक्विटी शेयर से फंड्स रेज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं। एक तो ना कि इक्विटी शेयर आपने कब इशू करने हैं, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है, जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे बिना इक्विटी शेयर्स को इशू किए आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते, आपकी कंपनी क्रिएट नहीं हो सकती। Let us say you have created the company, you have the equity share capital of say 1 crore rupees. Now you want to expand your business. For that, you are interested in issuing additional shares. ठीक है, आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, आपने कहा भाई मैं, मेरे को तो इक्विटी शेयर से ही फंड्स रेज करने हैं। जब आप एडिशनल इक्विटी शेयर्स से फंड्स रेज करोगे तो क्या होगा, तो जो नए शेयर होल्डर्स, जो लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे, तो वो आपके शेयर होल्डर्स की लिस्ट में आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। तो इससे आपका जो कंट्रोल है कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर वो डाइल्यूट हो जाएगा।
earlier let us say there were 100 investors, so they had 100, there were 100 votes. Now by issuing more equity shares, your number of equity shareholders have increased. ठीक है, so of course your control over the company will get diluted. ठीक है, next, more formalities and procedural delays are involved while raising funds through issue of equity shares. जब हम equity shares से funds raise करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा formalities आती हैं, बहुत ज्यादा procedural delays. हमारा जो procedure है to raise funds through issue of equity shares, that is, you know, quite complicated, quite lengthy. तो उससे काफी delay हो जाता है. ठीक है, सो अगर आपको फंड्स की जल्दी जरूरत है तो उस केस में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट द ऑप्शन फॉर योर कंपनी. ठीक है बेटे, यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. आई एम गिविंग यू अ मिनट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज बेटे प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स दो तरह के होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर एंड अनदर इज प्रेफरेंस शेयर्स. So preference shares क्या होते हैं? The capital raised by the issue of preference shares, उसको हम preference share capital कहते हैं. Preference shareholders कौन होते हैं? Preference shares किसको बोलते हैं? Preference shares वो होते हैं जो equity shares के ऊपर दो preferences enjoy करते हैं. ठीक है, कौन कौन सी preferences enjoy करते हैं? Number one, they receive a fixed rate of dividend out of the net profits of the company. ठीक है, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं, they receive a fixed rate of dividend on it before any dividend is declared for the equity shareholders. आपने देखा कंपनी को प्रॉफिट हुए 100 करोड़, उसमें से 30 करोड़ आपने टैक्स दे दिया, 70 करोड़ आपके पास बचे. इस 70 करोड़ में से सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनलाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे एंजॉय फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं दे एंजॉय फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. अगर उनके ऊपर लिखा हुआ है कि 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको 6% डिविडेंड मिलेगा. सो ये उनको एक प्रेफरेंस मिलती है दैट दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सेकंड प्रेफरेंस उनको क्या मिलती है? दैट दे रिसीव देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. अगर ये कंपनी कल को लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, बंद कर रहे हैं हम कंपनी को, उसके एसेट्स हमने बेच दिए, उन एसेट्स को बेच के हमारे पास जो कैश आया, लिक्विड एसेट्स आए, उससे पहले तो हम कंपनी के क्रेडिटर्स के क्लेम सेटल करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम सेटल किए जाएंगे. यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के सबसे एंड में किए जाएंगे. प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. ठीक है, सो विच मीन्स दे हैव प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, सो रेस्ट वी विल डू टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे.